बिग बॉस ओटीटी, जी हाँ, जैसा नाम दिया गया है ओवर द टॉप, बिल्कुल वैसे ही शो भी है ओवर द टॉप। क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन से ही घर में जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है, जिस तरीके से सभी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो सीज़न है, पहला सीज़न बिग बॉस ओटीटी का, ये वाकई में ओवर द टॉप है। और अगर हम बात करें कंटेस्टेंट की, तो माशाल्लाह एक से एक कंटेस्टेंट लेके आए हैं। अगर हम दो या फिर तीन कंटेस्टेंट को छोड़ दें, तो उनके अलावा जितने भी कंटेस्टेंट को लाया है, उन लोगों ने ज़बरदस्त है, और सभी लड़ाकू कंटेस्टेंट है ये हम कह सकते हैं। सभी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भेड़ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जितनी अभी तक शो में नज़र आया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी लोग अपने अपने थॉट्स, अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में जो है, अब कहीं ना कहीं घर में दो ग्रुप्स भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नज़र आने लगे हैं, और जो पूरा घर है बिग बॉस ओटीटी का, अब ये दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस ने मेहरबानी करते हुए जितने भी लड़की है, उन सब के जितने भी सामान थे, वो भी वापस कर दिए हैं। और बिग बॉस ओटीटी के पहले लेडी मैन, अगर हम बात करें तो लेडी बॉस बनी है अक्षरा सिंह, और लेडी मैन बने हैं अक्षरा और प्रतीक की जोड़ी। तो इन दोनों को सबसे सर्वश्रेष्ठ जोड़ी अभी तक जो है बिग बॉस के घर में कहा गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जोड़ी स्पेशलिस्ट कही जाने वाले एक शख्स को बिग बॉस ने इनवाइट किया था। उन लोगों ने सभी जोड़ी से आमने सामने उनको बात करवाया, और जिसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन जो है इस घर सबसे बेस्ट जोड़ी है, सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी है। तो उसमें उन्होंने नाम लिया प्रतीक सेजपाल और अक्षरा सिंह का, जिसके कारण अक्षरा और प्रतीक बन गए फर्स्ट लेडी बॉस और फर्स्ट मैन बॉस। और इसके साथ अब वो दोनों एज अ कैप्टन घर को चलाएंगे, घर को संभालेंगे, और घर में रूल फॉलो हो, ये भी अब जो है उन लोगों की ही जिम्मेदारी होगी। तो निश्चित रूप से बिग बॉस जो है अब पिकअप कर चुका है, और अब जो है कहीं ना कहीं दर्शकों को भी पिकअप करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वहाँ पर काम हो रहे हैं, आप सभी को बता दूँ कि वहाँ पर जोड़ी भी बदली जा चुकी है। और जोड़ी बदलते हुए आप सभी को बता दूँ कि जो जीशान खान है, उन्होंने अपना जोड़ी परिवर्तन कर लिया है, और उन्होंने उर्फी जावेद को छोड़ करके अब जो है दिव्या अग्रवाल के साथ अपना जोड़ी बनाया है, अपना कनेक्शन बनाया है, जिसके कारण से दिव्या अग्रवाल हो चुकी है अब सेफ। और जो वहाँ पर उर्फी जावेद है, वो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइव फीड को अगर हम देखें, तो एक नॉमिनेशन टास्क चल रहा है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिलिंद गावा और जो वहाँ पर नेहा भसीन की जोड़ी है, वो दोनों सेफ हो गए हैं बिल्कुल। वो दोनों अब नॉमिनेशन से बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन जितने भी बाकी जोड़ी है, उन लोगों को अभी टास्क के थ्रू जाना होगा, और उनमें से देखना होगा कि कौन कौन नॉमिनेट होते हैं, कौन कौन सेफ होते हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि एक ही लोग नॉमिनेट नहीं रहेंगे, इसमें कुछ और लोगों को नॉमिनेट करके शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जब करण जौहर संडे को आएंगे, तब जो है किसी एक का एविक्शन हो सकता है। हालांकि ये पहला वीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सबसे किसी का एविक्शन ना हो। लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस ओटीटी की, जिस तरीके से हम लोगों को उम्मीद थी कि शो एवरेज होगा, उससे कई ज़्यादा आगे जाते हुए शो कहीं ना कहीं सुपर हिट या फिर हम कहें ब्लॉकबस्टर की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस पूरे एपिसोड की अगर हम बात करें, या फिर जितने भी एपिसोड अभी तक प्रसारण हुए हैं, उसके अगर हम बात करें, तो तीन चार लोग ही है जो कि हाईलाइट्स में रहे हैं, जिसमें अगर हम नाम की बात करें तो दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सेजपाल, वहीं अगर हम बात करें तो इसमें समिता सेठी और एक दो खिलाड़ी है जो कि अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट देते रहते हैं। बाकी इन्हीं तीन लोगों के पीछे जो है ये पूरा शो अभी तक घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें अक्षरा सिंह का भी थोड़ा बहुत नाम हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है शो? आप लोग कितना ज़्यादा इस शो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से सबसे अच्छी जोड़ी कौन है, सबसे बेहतरीन जोड़ी कौन है, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये भी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अपडेट आएगी, हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।